Hello students, in today's lecture number 11 on wave optics for class 12, we shall have discussion on width of central or principal maxima, which was obtained in diffraction pattern due to Fraunhofer diffraction at a single slit. Then we shall discuss some numerical problems. So this was the diffraction pattern which we obtained due to Fraunhofer diffraction at a single slit. This we discussed already yesterday in lecture number 10. In this diffraction pattern, all of you know that this central maxima is nothing but the principal maxima, central maxima or principal maxima, which is having maximum value of intensity I0. And then these maximas are secondary maximas on right side as well as towards left side. These are the secondary maximas, and these are the minimas. These are the minimas, and these two minimas are principal minima. Towards either side of central maxima, there are principal minimas. सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में ये और ये, इनको कहते हैं हम प्रिंसिपल मिनिमा. और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. सिमिलरली ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा लेफ्ट साइड में, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. जितनी इंटेंसिटी राइट साइड के फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी, उतनी ही इंटेंसिटी लेफ्ट साइड के फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी. जितनी इंटेंसिटी राइट साइड के फर्स्ट सॉरी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी, उतनी ही इंटेंसिटी लेफ्ट साइड के सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी. जितनी इंटेंसिटी राइट साइड के थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी, सेम इंटेंसिटी लेफ्ट साइड के थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी. तो इस तरीके से हमें यह डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा था. हमें अब क्या करना है, वी वॉन्ट टू नो द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा. आप जान सकते हैं कि इस सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो विड्थ है, इस सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो मिनिमा मिल रहे हैं हमें, फर्स्ट मिनिमाज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, है या नहीं? जो दोनों साइड में मिनिमा मिल रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा के, उन दोनों मिनिमाज जिनको आप प्रिंसिपल मिनिमाज कहते हैं, इन प्रिंसिपल मिनिमाज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ के बराबर होगा. ऑब्वियसली ये डिस्टेंस विड्थ कहलाएगा, ठीक है. अब इसी डिफ्रेक्शन पैटर्न को यदि हम फ्रानाफर डिफ्रेक्शन में ड्रॉ करें, तो फ्रानाफर डिफ्रेक्शन में आप जानते हैं हमारे पास क्या था, एक स्लिट था, इस टाइप से एक स्लिट था, इस टाइप का एक स्लिट था, ए बी, ए बी, ठीक है, या जहां भी लेना है, इसको बी माना था तो बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अज्यूम, ठीक है. ए बी एक स्लिट था, ए बी, और इस ए बी की विड्थ को हमने क्या लिया था, स्मॉल ई लिया था. और यहां पर एक स्क्रीन था, इस स्क्रीन पर हमें यहां सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ स्क्रीन पर यदि सीधे बात करें तो इस टाइप का ये मैक्सिमा मिल रहा था, एंड दिस इज द सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा. और उसके बाद में ये आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज मिल रहे थे इस तरीके से. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाया वो वर्टिकल था, अब ये स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल हो गया, बात एक ही है. तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी विड्थ हमें चाहिए. तो इसकी जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, जो पहला मिनिमा होगा, दिस मिनिमा, दोनों साइड में जो पहले मिनिमा होंगे, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ के बराबर होगा. सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ के बराबर होगा. वी नो दैट द विड्थ ऑफ द स्लिट ए बी इज स्मॉल ई, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इट, एंड वी ऑल्सो अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, एंड एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इट मे बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आप यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस भी रखते हैं, हमने दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया था फ्रानाफर डिफ्रेक्शन में, एक यहां पर बीम को कॉलिमेट करने के लिए और एक यहां पर. ये जो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर आप रखोगे, वो कॉन्वेक्स लेंस जरूरी नहीं है कि केवल यहीं पर हो, वो कॉन्वेक्स लेंस यहां भी जा सकता है, ठीक है, एकदम स्लिट के नजदीक हो सकता है. तो उस केस में डी का वैल्यू उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा.
क्योंकि जब मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है तो ये यहां पर लाइट को फोकस करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस से इस स्क्रीन का डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन में ले लेता हूं सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है स्क्रीन के सेंटर पॉइंट से, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दे देगा, आई जीरो इंटेंसिटी होती है, ये भी आप जानते हो। चलिए अब यहां से देखता हूं मैं फर्स्ट मिनिमा, ये जो फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा ये सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर की तरफ जो मिनिमा है और नीचे की तरफ जो मिनिमा है, ये देखिए इन दोनों की पोजीशन मैं कंसीडर करता हूँ, और यदि ये कंसीडर करता हूँ कि इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल ऑल्सो बी थीटा, होगा या नहीं होगा भाई? यदि ये आप सेंट्रल लाइन लेते हैं, इसको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल लाइन को, और ये फर्स्ट मिनिमा की सिचुएशन है, क्योंकि आपको सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, तो आपको प्रिंसिपल मिनिमा की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैंने यहां से ये डायरेक्शन अज्यूम किया, ये प्रिंसिपल मिनिमा किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में या लेफ्ट साइड आप कह सकते हो, और ये प्रिंसिपल मिनिमा है राइट साइड का। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा इस रेफरेंस लाइन के साथ उतना ही एंगल ये थीटा हो जाएगा। चलिए अब यहां पर इस ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। सो आप देखिए पहले तो ये कह सकते हैं मैं जो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है एज पर अबव पैटर्न, ये जो पैटर्न है डिफ्रैक्शन पैटर्न, एज पर अबव पैटर्न, एज पर अबव पैटर्न विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल, विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, एज द डिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल मिनिमाज, प्रिंसिपल मिनिमाज ऑन आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड में, सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड में जो प्रिंसिपल मिनिमा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा के बराबर होगा। यदि मैं विड्थ को कहता हूं W, यदि मैं विड्थ को कहता हूं W और इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूं X, यदि ये डिस्टेंस x लेता हूं तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी x, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी 2x होगी, x प्लस x। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी w वो किसके बराबर हो जाएगी 2x के बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी 2x के बराबर आ जाएगी। अब यहां पर अभी ये फाइनल रिलेशन नहीं है, हमें x की वैल्यू पता करनी होगी, x की जो भी वैल्यू आएगी यहां रख देंगे और फाइनल रिलेशन हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आ जाएगा। अब देखिए आप इसको नाम दे दीजिए कोई पॉइंट, m नाम दे देते हैं इसको, और इसको n नाम दे देते हैं, और इसको o नाम दे देता हूं। ठीक है, ये M पॉइंट है, ये N है, ये O है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप कह सक कुछ भी कह दीजिए, जैसे P कह दीजिए, मान लीजिए P है ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यूजिंग यूजिंग ट्राइंगल MPO,
एम पी ओ का मतलब क्या है, कौन सा ट्राइंगल? एम पी ओ, या तो इस ट्राइंगल का यूज कर लो, या फिर नीचे वाला जो ट्राइंगल है एन पी ओ, इसका यूज कर सकते हैं। दोनों एक जैसे ट्राइंगल हैं, एम पी ओ और एन पी ओ, बोथ आर सेम ट्राइंगल। हम बात कर रहे थे ट्राइंगल एम पी ओ, तो ये देखिए ये ट्राइंगल है एम पी ओ। एम पी ओ, इस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू आप निकालिए। टेन थीटा क्या होगा, देखिए टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, और बेस क्या है, ये कैपिटल डी या स्मॉल एफ, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। तो एक्स अपॉन एफ लिखो, या फिर लिखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन कैपिटल डी। सिंस थीटा इज स्मॉल, जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है ये क्या है, स्मॉल है। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, जब थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। देयर फोर ये क्या आ जाएगा, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली एक्स अपॉन एफ, ये आ जाएगा यहां से, और यहां से देखें तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स अपॉन डी आ जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह थीटा लिख दिया, तो ये एक रिलेशन आ गया। आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन वन मान लिए चलिए, ठीक है, और इसको टू मान लीजिए, ठीक है, इसको आप थ्री मान सकते हो या रहने दीजिए, ठीक है, टू ए मान सकते हो इसको, टू ए मान लीजिए। एक थीटा तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब देखिए जरा इसमें, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो आप ये कंडीशन ले रहे हैं ये किसकी है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, ये फर्स्ट मिनिमा है, तो मिनिमा के लिए कंडीशन यहां पर लिख दें, ठीक है, मिनिमा की कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहां पर हम यदि मिनिमा की कंडीशन अप्लाई करें, ऑल्सो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मिनिमा, प्रिंसिपल मिनिमा की बात हो रही है, और प्रिंसिपल मिनिमा के लिए एन का वैल्यू वन हो जाएगा, और कंडीशन क्या होती है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ये मिनिमा की कंडीशन होती है आप जानते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, एन की वैल्यू वन, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा अपॉन ई आ जाएगा। और अगेन सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, देयर फोर साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा मुड बी इक्वल टू लेमडा अपॉन ई, इक्वेशन नंबर थ्री मान लेता हूँ इसको। तो थीटा की एक वैल्यू आ गई लेमडा अपॉन ई, और एक वैल्यू आ गई थीटा की एक्स अपॉन एफ। तो इक्वेशन टू और थ्री का यूज करके, इक्वेशन टू और थ्री का यूज करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इक्वेशन टू ए और थ्री का यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी। तो हम पहले इक्वेशन टू और थर्ड का यूज कर लें, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यूजिंग इक्वेशन टू एंड थर्ड वी में राइट क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन टू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी एक्स अपॉन एफ, थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन एफ, ये इक्वेशन टू थी। और इक्वेशन थ्री क्या कहता है, थीटा की वैल्यू लेमडा अपॉन ई, तो यहां से एक्स अपॉन एफ को बराबर लिखा जा सकता है लेमडा अपॉन ई के, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इंटू एफ अपॉन ई, ये आ गई। अब ये तो विड्थ है नहीं, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा से एक साइड का डिस्टेंस हो गया, ये तो इस सेंटर पॉइंट से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस हो गया, सेंटर पॉइंट से, सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, एक मिनिमा का डिस्टेंस हो गया। हमें विड्थ चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा की, तो देयर फोर विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो टू लेमडा एफ अपॉन ई, ये आ जाएगा।
टू लेमडा एफ अपॉन ई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये विड्थ आ गई। यदि आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें, यदि आप यूज करते हैं, दोनों ही बता देता हूँ, एग्जाम में आपको कोई एक यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन 2a एंड 3 का यूज करोगे, तो 2a क्या है x अपॉन f की जगह क्या है कैपिटल D, और 3 तो वही है लेमडा अपॉन ई, तो यहाँ से x अपॉन D बराबर क्या आ जाएगा लेमडा अपॉन ई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन ई, तो W क्या आ जाएगा W आ जाएगा 2 लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन ई। ये कैपिटल D की टर्म में आ गया और ये स्मॉल f की टर्म में आ गया, फोकल लेंथ की टर्म में आ गया और ये कैपिटल D की टर्म में आ गया, तो किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से अब क्या क्लियर हो रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या क्लियर हो रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन से यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि जो विड्थ है, विड्थ जो है, विड्थ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई क्या है, स्लिट का विड्थ है, क्योंकि वेवलेंथ वही है लाइट का, कॉन्वेक्स लेंस वही है, कैपिटल डी वही है, तो विड्थ ऑफ द स्लिट पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, इस विड्थ को यदि आप बढ़ाओगे, इस विड्थ को बढ़ाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, ये विड्थ जब आप बढ़ाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम हो जाएगी, और जब इस विड्थ को कम करोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं, ऐसा होता है या नहीं उसके लिए आपको एक सीडी लेना है, इस तरीके से एक सीडी लीजिएगा और फिर उस सीडी में सेंटर में होल होता है, यहाँ पर एक ब्लेड लगाइएगा और यहाँ पर एक ब्लेड फिक्स कर दीजिएगा, फिर आगे एक स्क्रीन लगा देना और इधर से लेजर लाइट गिराएंगे तो आप उधर आपको डॉट्स दिखाई देंगे अलग अलग इंटेंसिटी के, तो जैसे जैसे लेजर सोर्स को आप इसके नजदीक लाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे, ये लेजर सोर्स को नहीं सॉरी इन ब्लेड्स को जब आप नजदीक लाएंगे तो उधर स्क्रीन पर देखेंगे कि जो विड्थ है डॉट्स की वो बढ़ने लग जाएगी, यदि इन ब्लेड्स को दूर ले जाएंगे तो विड्थ कम होने लग जाएगी, ऐसा आपको नजर आएगा। यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए। और ये जो विड्थ आई, ये आपकी विड्थ आ गई कौन सी, लीनियर विड्थ आ गई, ये कौन सी विड्थ आ गई लीनियर विड्थ आई। ठीक है, एंगुलर विड्थ चाहिए तो एंगुलर विड्थ तो ये हो जाएगा सिंपली, ये एंगुलर विड्थ है x अपॉन f, क्या हो जाएगा x अपॉन f या लेमडा अपॉन ई, दिस इज एंगुलर विड्थ, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, ये लीनियर विड्थ है, ये कौन सी विड्थ है लीनियर विड्थ है, और ये एंगुलर विड्थ है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो एंगुलर विड्थ क्या यही होगी, नहीं इसका डबल होगा, इसका क्या होगा डबल होगा, तो ये लीनियर विड्थ हो गई, ये कौन सी विड्थ हुई लीनियर विड्थ, ध्यान रखना लीनियर विड्थ, लेकिन एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, एंगुलर विड्थ हो जाएगी टू थीटा है या नहीं, और टू थीटा का मतलब हो गया टू इंटू थीटा का मतलब लैम्डा अपॉन ई, ये हो जाएगा, ये एंगुलर विड्थ होगी, या फिर लिखोगे 2 इंटू एक्स अपॉन एफ, इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपकी एंगुलर विड्थ होगी। ठीक है, ये एंगुलर विड्थ आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो आप, चलिए हमने एंगुलर विड्थ की बात कर ली, किसके लिए एंगुलर विड्थ की बात की हमने सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो विड्थ है, यदि आप सोर्स जो है, जो सोर्स आपने यूज किया है यहाँ पर, यदि यहाँ पर जो कोई सोर्स यूज करोगे आप, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बजाय मान लीजिए व्हाइट लाइट सोर्स है, तो उस केस में फ्रिंजेस कलरफुल बनेंगी, फ्रिंजेस कलरफुल बनेंगी, तो जो रेड कलर की विड्थ होगी, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी विड्थ ज्यादा होगी, तो रेड का विड्थ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वायलेट, एज कम्पेयर टू ब्लू, एज कम्पेयर टू वायलेट, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो विड्थ उसकी सबसे कम आएगी, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो विड्थ सबसे ज्यादा आएगी, तो विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की स्लिट के विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोकल लेंथ के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए एक ये बात हो गई। और जो दूसरे मैक्सिमाज हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो और मैक्सिमाज हैं उनकी विड्थ के बारे में हम क्या कहेंगे? विड्थ कौन सी विड्थ? लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ ए सेकेंडरी मैक्सिमा। ये तो हमने ऊपर जो निकाला ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकाल लिया। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की यदि विड्थ की बात कहे तो कितना होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आप निकालना चाहते हैं, देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब क्या है, ये है आपका सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी विड्थ चाहिए, ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ये पहला मिनिमा है तो ये दूसरा मिनिमा है या नहीं? तो क्या करेंगे हम, ये यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस सेंटर से, सेंटर किसका सेंटर, इस सेंट्रल मैक्सिमा का जो सेंटर है यहां से यहां तक का डिस्टेंस में से यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस करेंगे, है या नहीं? जैसे मैं कहूं कि ये मान लीजिए एस पर बन रहा है आपको, ये एम एस, एम एस क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ होगा ना, और ये एम एस किसके बराबर होगा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एम एस किसके बराबर होगा, ओ एस माइनस ओ एम, ओ एस माइनस ओ एम होगा या नहीं होगा? यदि यहां एनथ फ्रिंज है तो ये कौन सी हो जाएगी, एन प्लस वनथ हो जाएगी, यदि ये एनथ फ्रिंज है तो ये कौन सी हो जाएगी, एन प्लस वनथ हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं? तो यदि इसके लिए, इसके लिए विड्थ कितना आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, 2 इंटू लेमडा अपॉन ई आ रहा है, तो इसके लिए कितना होगा, जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेमडा अपॉन ई हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां बताता हूं मैं आपको, लीनियर विड्थ ऑफ ए सेंट्रल और सेकेंडरी मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ की जब हम बात करेंगे तो ये स्लिट था आपका और ये स्क्रीन था, ये स्क्रीन का पॉइंट है, यहां पर आपको ये सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया और उसके बाद में ये सेकेंडरी मैक्सिमाज मिल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इस सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करता हूं, तो यहां से एक लाइट रही है और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इसको मैं कह देता हूं मान लीजिए थीटा वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा टू। तो आपको ये एंगल चाहिए तो थीटा टू में से थीटा वन माइनस करना पड़ेगा, तो थीटा टू में से थीटा वन माइनस करेंगे, थीटा टू में से थीटा वन माइनस करेंगे तो एंगुलर विड्थ आ जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा का, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ आ जाएगा, थीटा टू किसके बराबर होगा। अब ये थीटा टू क्या होगा और थीटा वन क्या होगा, थीटा टू की बात करूं तो थीटा टू की वैल्यू क्या होगी, थीटा टू की वैल्यू 2 इंटू लेमडा अपॉन ई होगी, 2 इंटू लेमडा अपॉन ई होगी, 2 इंटू लेमडा मिनिमा की कंडीशन से, मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा जो मिलेगा हमें एंगुलर विड्थ के लिए, मान लीजिए इसको n ले लो चलो और इसको n प्लस वन ले लो, ऐसे समझो ये n प्लस वन है और ये n है, ये n है, nth है और ये n प्लस वनth है, तो थीटा n प्लस वन माइनस थीटा n, ये हो गई आपकी क्या एंगुलर विड्थ, किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब थीटा n प्लस वन क्या होगा, थीटा n प्लस वन होगा n प्लस वन, n प्लस वन इंटू लेमडा अपॉनी, और थीटा n क्या होगा, n इंटू लेमडा अपॉनी, तो किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा अपॉनी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉनी आ जाएगा। तो जो विड्थ आई, जो विड्थ आई आपकी एंगुलर विड्थ लेमडा अपॉन ई आ गई, लेमडा अपॉन ई आई, किसकी वैल्यू आई, ये एंगुलर विड्थ की वैल्यू आई सेकेंडरी मैक्सिमा के, सेकेंडरी मैक्सिमा के एंगुलर विड्थ आई, तो W क्या हो जाएगा, W होता है 2x, W क्या होता है 2x, यानी W 2x है, तो ये 2x का वैल्यू आया क्या, ये 2x का जो वैल्यू आया ये किसके बराबर आया, लेमडा अपॉन ई के बराबर आया, लेमडा f अपॉन ई के बराबर आया, किसके बराबर आया, लेमडा f अपॉन ई के बराबर आया, लेमडा f अपॉन ई के बराबर आया, ठीक है। तो हाफ हो जाएगी किसकी, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ ट्वाइस होती है, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के डबल होती है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी विड्थ इतनी आएगी, ये लेमडा अपॉन ई है, इसके लिए क्या आ रहा था, देखो सेंट्रल
सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कितना आ रहा था, 2 लेमडा अपॉन ई आ रहा था ना, 2 लेमडा अपॉन ई आ रहा था ना। और इसके लिए क्या आ रहा है, लेमडा अपॉन ई। तो एंगुलर विड्थ की यदि मैं बात करूं तो सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ तो आधी होती है, किसकी आधी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ हो जाती है, लेमडा अपॉन ई आ रहा है, ठीक है, लेमडा अपॉन ई आ रहा है, ठीक है, लेमडा अपॉन क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा अपॉन ई आ जाएगी। और जब लेमडा अपॉन ई आ जाएगी तो आप फिर क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2x क्या आ जाएगा, लेमडा एफ अपॉन ई, यानी हाफ हो जाएगी इसकी इसकी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वो सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ का आधा होती है, ठीक है। और एंगुलर विड्थ मैंने ये एंगुलर विड्थ निकालना बता दिया आपको, एंगुलर विड्थ मैंने निकाला सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा का, इस तरीके से ये आ गया, जो कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा का क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। ये 2 लेमडा अपॉन ई था तो ये लेमडा अपॉन ई आ रहा है, ठीक है, ये 2 लेमडा अपॉन ई था तो ये क्या आ रहा है, लेमडा अपॉन ई आ रहा है, यानी 2x बराबर क्या आ गया, लेमडा अपॉन ई हो गया। 2x बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन ई, ये लेमडा एफ अपॉन ई हो जाएगा, 2 हट जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल लेना। आप देखिए कुछ कंडीशंस भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए कुछ कंडीशंस, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको बता देता हूं, कंडीशंस जैसे मैंने आपको नोट करके लिख लीजिएगा, पहला नोट बता रहा हूं, हम बात कर रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में जो पहली nth मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए कंडीशन है, फॉर मिनिमम, मिनिमा या मिनिमम क्या है, e साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये है, ठीक है, मिनिमम के लिए। और यदि मैक्सिमा की बात करूं, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगी e साइन थीटा इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2, ये आ जाएगा। यहां पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1, 2, 3 सॉन, यहां पर भी n का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3 सॉन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं आपको, ये मिनिमा की कंडीशन तो आप अच्छे से जानते हैं, मैक्सिमा में ध्यान रखिए e साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2n की जगह आ जाता है 2n+1 इंटू अपॉन 2, 2n+1 अपॉन 2 आ जाता है, ठीक है, यानी n की जगह n प्लस हाफ आ जाता है, ऐसे कह सकते हो आप, n प्लस हाफ का मतलब 2n+1 अपॉन 2 होगा इंटू लेमडा, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरा, एंगुलर विड्थ की यदि मैं बात करूं, एंगुलर विड्थ ठीक है, फॉर मिनिमा यदि मैं बात करता हूं एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ जो होगी वो क्या होती है, एनथ के लिए एन लेमडा अपॉन ई होती है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमा के लिए था, ये किसके लिए आया था, मिनिमा के लिए, और मिनिमम पोजीशन आ गई। सेंटर ऑफ स्क्रीन से क्या डिस्टेंस होगा, मिनिमा का एंगुलर विड्थ हो गया, डिस्टेंस, अब एक और ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन से यानी लीनियर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो n इंटू लेमडा डी अपॉन ई, ये होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर फिफ्थ, ध्यान रखिए एंगुलर पोजीशन, जैसे फॉर मैक्सिमा के लिए मैं बात करूं, मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन यदि मैं बात करूं, एंगुलर इसको पोजीशन कह दीजिए आप, ठीक है, एंगुलर पोजीशन क्या होगी, विड्थ से कंफ्यूजन हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन कहिए, एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा के लिए थीटा एन, एन की जगह मैंने आपको बता रखा है क्या आ जाएगा,
2n प्लस 1 इंटू लेमडा अपॉन ई तो है ही, और 2 आएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लेमडा अपॉन ई, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ एनथ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन से एनथ मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या होगी, तो एक्स एन बराबर हो जाएगा, एन की जगह क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और 2 को मैं यहां लिख देता हूं इस तरीके से, ये आ जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की बात करूं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो ये तो आप जानते ही हैं कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है W कितना होता है 2 लेमडा F अपॉन E, ये होता है, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 2 लेमडा इंटू F की जगह कैपिटल D भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और आप ध्यान रखिए कि फॉर द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, फॉर द वैलिडिटी, ये कंडीशन भी पूछ लेता है रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के लिए फ्रेजनल डिस्टेंस का वैल्यू बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के, किसके ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के लिए बात कर रहा हूं, ये वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है। जेड एफ यानी फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के लिए रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। यदि फ्रेजनल डिस्टेंस, ये है फ्रेजनल डिस्टेंस एफ फॉर फ्रेजनल, फ्रेजनल डिस्टेंस ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के रेशो के बराबर है, तो उस केस में रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। यदि इस ये मिसमैच होता है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जानते ही हो, मैक्सिमा के लिए लिखना है तो n की जगह आप 2n प्लस 1 अपॉन 2 लिख दीजिए n की जगह, तो मैक्सिमा के लिए आ जाएगा। मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन ये होता है, तो मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन ये हो जाएगा, n की जगह 2n प्लस 1 अपॉन 2 लिख दीजिए। लीनियर डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये होता है n लैम्डा d अपॉन e, और मैक्सिमा के लिए ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा अपॉन 2, ये 2 आ जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये होती है, और रे ऑप्टिक्स का वैलिडिटी ये होता है, ठीक है। तो ये बात हुई विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये भी मैंने आपको बता दी। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं उनकी जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ होती है, ठीक है। जैसे एंगुलर विड्थ हमने यहां पर निकाला, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए एंगुलर विड्थ लेमडा अपॉन ई आया, जबकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 2 लेमडा अपॉन ई आया था। और लीनियर विड्थ की बात करूं तो लीनियर विड्थ भी आधा हो जाएगा किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 0.8 मीटर, ठीक है। देखिए पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है किस पर, एक स्लिट पर जिसकी विड्थ कितनी है स्मॉल ए, और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.8 मीटर, कह रहा है ना। स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये है, विड्थ ये है, और इसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है। और यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर का क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये सेकेंड, ये 15 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए निकालना है, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एन इज इक्वल टू 2, और कंडीशन क्या बताई थी मैंने, मैक्सिमा के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी पोजीशन की, जब मैंने बात की थी तो
एक्स एन बराबर मैंने आपको बताया था 2n+1 अपॉन 2 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन ए, ये बताया था, ई की जगह ए है, ये कंडीशन थी। तो एन की जगह 2 रखूं तो 2 इंटू 2 4, 5 अपॉन 2 हो जाएगा, 5 अपॉन 2 आ जाएगा इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन ए स्मॉल ए। अब यहाँ से कैपिटल ये स्मॉल ए की वैल्यू निकालिए तो 5 लेमडा इंटू कैपिटल डी 2x2। अब ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 5 अपॉन 2, और लेमडा कितना है, लेमडा 600 नैनो इतना है, इंटू कैपिटल डी कितना है 0.8 मीटर, 2x2 कितना है 15 मिली इतना। इसको सॉल्व करें, ये 42 से ये सॉल्व करें 20, और ये 2 से कैंसिल होगा 10, ठीक है। तो ये 5 8 जब 40 40 यानी 4 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो और इंटू 10 है इंटू 10^-6 ये ऊपर जाएगा तो, और ये आ जाएगा आपका, और भी कुछ बचाएगा, देखिए 5 अपॉन 2 0.8 है, 6 ये हो गया अपॉन 2 इंटू ये हो गया, ये 40 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ 20, और ये 10, 58। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 10^-5 मीटर, 4 × 10^-5 मीटर यही वैल्यू आएगी या कुछ और आएगी, यही वैल्यू आनी चाहिए, यही वैल्यू आनी चाहिए। नहीं देखो, 15 से 40 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, 40 टाइम्स कैंसिल हुआ, ठीक है, 40 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, और 20 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, 10 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, और 5 8 जब 40 इतना आ गया है। लेकिन बेटे ये 2 नहीं आएगा ना, ये 2 तो हमने यहाँ ले लिया, 5 अपॉन 2 यहाँ ले लिया, तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ ले लिया, तो ये 20 ही रहेगा, कितना रहेगा 20, तो 5 8 जब 40, और ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एग्जाम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.10। एस्टिम देखिए, 8 और 9 ये तो पोलराइजेशन पर बेस्ड हैं, तो इनको हम नहीं करेंगे, ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 10.10 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है, जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लेमडा, तो ए की वैल्यू 4 मिलीमीटर और लेमडा की वैल्यू 400 नैनोमीटर, तो जेड एफ की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, 4 × 10^-3 ऑल स्क्वायर है, तो एक बार और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय लेमडा 400 नैनो इतना हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो 4 ये -7 हो जाएगा, ये 2 जीरो लगा दें तो -7 जब ऊपर जाएगा तो +7 और 10 हो जाएगा 16, और ये 4 × 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर, कितना आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर ये फ्रेजनल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, 40 मीटर कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई डिफ्रैक्शन की, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आएगा, आया होगा। इससे आगे हम अब चर्चा करेंगे चैप्टर 11 की। थैंक यू वेरी मच।